पिज्जा आ गया क्या भैया? कब से वेट कर रही हूँ आपका, कहाँ रह गए थे? ट्रैफिक में फंस गए थे क्या? चलो छोड़ो, पिज्जा दो। ओरिगैनो सॉस भी होगा, वो भी तो दो। अरे क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई व्रत रखा है क्या? ठीक है, थैंक यू। एक सेकेंड, ये बॉक्स खुला कैसे है? ये तो बंद होता है। भैया ये बॉक्स खुला कैसे है? वो मैडम जी, डिब्बे में ज्यादा गर्मी होते हैं ना, इसलिए। अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब एकदम से बोलने लग पड़े। वो जी 12 बजे तक मौन व्रत था। मौन व्रत ही कैसा अजीब सा व्रत है। चलो अच्छा कोई नहीं, थैंक यू। शिखा एक बार पिज्जा खोल के चेक करना, सब कुछ ठीक तो है अंदर। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? क्यों भाई, सैलरी से पेट नहीं भरता? जो अपने काम के साथ धोखा कर रहा है तू। सुमित तुम ये क्या बोल रहे हो, इनको ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैं बताता हूँ। क्यों, अब भी कोई कसर बाकी है क्या? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम लोगों का अपनी खुद की सैलरी से पेट भरना बंद हो गया है क्या, जो अब तुम दूसरों का खाना भी खाने लगे हो? थोड़ा तो सोचते। अंकल आपको ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए, पर ये लोग ना ऐसे नहीं मानेंगे। मैं काम करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ इसके खिलाफ। ये लो, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए। पहले दूसरों का खाना खाओ, फिर उनसे बचने के लिए ड्रामे शुरू कर दो, रोकर दिखाना शुरू कर दो। कितना ड्रामेबाज आदमी है ये। आप पहले मुझे ये बताइए, आपने ये सब किया क्यों? आपको शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। वो मैडम जी बिटिया बहुत ज्यादा बीमार है और घर में कोई नहीं है खाना बनाने वाला। एक मैं हूँ, भाग दौड़ में लग रहा हूँ। बिटिया बहुत ज्यादा बीमार है, उसके लिए कमाने मन की ठीक हो जाए। बीवी मरे कई साल होंगे, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं। आज मैं बिल्कुल भूखा था, मैंने चुप दे जी थोड़ा भूख, मेरे को ज़्यादा ही भूख लग रही, मैंने इसमें से थोड़ा सा ले लिया। मैडम जी मैं कंप्लेन नहीं करना मैडम जी। पर आपकी बेटी को हुआ क्या है? वो डॉक्टर कहते हैं कि उसके दिल में छेद है, काफ़ी पैसा लगेगा, तो मैं भाग दौड़ में ज़्यादा लग रहा हूँ मैडम जी। मैं उसी के चक्कर में भूखा प्यासा नहीं डोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कंप्लेंट नहीं करना मैडम जी। मैंने थोड़ा आज ये गलती कर दी, आलदाल ये गलती नहीं करूँगा बिल्कुल, मेरे को भूख लग रही थी। नहीं नहीं आप घबराइए मत, मैं आपकी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी। अच्छा काम कीजिए, ये पिज्ज़ा आप खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, आप खा लीजिए बस। आप कंप्लेंट मत करिए मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं बस, आपने कह दिया मैंने खा लिया। अंकल जी आप प्लीज़ ये खा लीजिए, हमें अच्छा लगेगा, और आप भूखे भी तो हो, और भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत पुण्य का काम होता है ना, प्लीज़ खा लो। लीजिए। ठीक है साहब, ठीक है मैडम जी। चल शिखा